गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स, जैसा कि आज आप देख रहे हैं, हम आपके सामने लेके आए हैं, ये एक फोक मशीन है। इसको हमने अभी रिपेयर किया है, इसका ये पाइप टूट गया था तो ये दूसरा पाइप डाला है। इसके बारे में हम आपको जानकारी देना चाह रहे हैं कि ये फोक मशीन जो डीजे साउंड वगैरह या लाइट शो वगैरह होते हैं उनमें काम में ली जाती है, और भी कई जगह काम में आती है। और ये देखिए, ये इसकी पावर केबल है, ये इसमें हम लगा देते हैं, ये ऑन हो गई और लगभग ये 5 से 10 मिनट में गर्म हो जाती है। और ये इसका रिमोट है, ये इसके अंदर ये देखिए इसमें लगा हुआ है, ये इसमें लगा दिया हमने। और यहाँ पे भी एक रिमोट लगता है, तो उसको हम मैनुअली यूज कर सकते हैं। और इसमें जो लिक्विड होता है वो ग्लिसरीन से बना हुआ होता है, जो ग्लिसरीन है इसमें एक हीटर होता है, उसके अंदर से जाती है तो उससे ये फोग निकलती है, धुआं। ये देखिए इसके आगे जो नोजल लगा हुआ है, ये हीटर के अंदर से निकल के आया हुआ है। इसके हम टच नहीं करेंगे अभी, क्योंकि काफ़ी हीट होता है। ये देखिए, और ये इसका रिमोट है, यहाँ से ऐसे ओपन हो जाता है। और ये रेंज के हिसाब से इसमें एंटीना दिया हुआ है रिमोट में, ये देखिए ये बाहर निकलता है। और ये इसमें सॉरी ABCD, ये रेंज के हिसाब से इसमें स्विच दिए हुए हैं। और ये शायद अभी गर्म हो गई होगी इतनी देर में, हमने पहले भी इसको गर्म कर रखी थी। ये पीछे इसका ये फ्यूल के लिए दिखाता है कितना फ्यूल है या नहीं है, इसमें मार्किंग होती है इस हिसाब से। ये देखिए, अब हम इसको आपको ऑन करके दिखाते हैं। ये देखिए, इसका हम बटन प्रेस करेंगे, ये देखिए ये धुआं निकल रहा है, ये देखिए। और कुछ लोग समझते हैं कि ये फॉग है जो नुकसान करता है, लेकिन ये नुकसान नहीं करता है, ये ग्लिसरीन से बना हुआ होता है। ये देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और इसके बारे में और कुछ आपको जानना है या आपके पास कोई सुझाव या क्वेश्चन है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे साथ में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।